और खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मानसून सत्र के आसपास विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अमरबाड़ा से उपचुनाव जीतने पर शाह को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो अगर वो उपचुनाव जीतते हैं तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और रावत का विधायकी पद से इस्तीफा तभी होगा जब उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। तो देखिए बड़ा दिलचस्प है ये, और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब खबर यह है कि जल्द ही मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मानसून सत्र के आसपास ही विस्तार करने की संभावनाएं जताई गई। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार ये खबरें चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, लेकिन अब ये खबरें हैं, संभावना ये जताई जा रही है कि मानसून सत्र के आसपास ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। कौन से चेहरे हो सकते हैं अंदर और कौन से चेहरे बाहर? देखिए, सबसे पहले दिनेश आपको याद होगा कि बंसल न्यूज ही ऐसा चैनल था जिसने कहा भी, बल्कि रामनिवास रावत से भी बात हुई थी तो उसमें भी कुछ संकेत ऐसे दिखाई दे रहे थे, और अब वो चीजें फलीभूत होती नजर आ रही है। आपने देखा कि 3 दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे, दूसरी बार दिल्ली गए थे, और उसी दिन रामनिवास रावत भी दिल्ली पहुंचे थे। तो ये हो चला था कि अब रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो मानकर चलिए कि मानसून सत्र के पहले दिन ही या आजकल में ही आपको हो सकता है ये खबर आ जाएगी कि रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, और वो जब भीतर होंगे तो कुछ शिकायतें जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनमें से एक दो मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। लेकिन एक और खबर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही उपचुनाव होंगे उसके बाद कमलेश शाह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और एक फिर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अभी तो तात्कालिक तौर पर रामनिवास रावत की एंट्री होगी, एक आध किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है, वैसे भी दो लोगों की जगह खाली है। एक बात और जानना चाहूंगा, क्या अभी कुछ ऐसा पेच फंसा हुआ है कि रामनिवास रावत जब तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे तब तक वो विधायकी से इस्तीफा भी नहीं देने वाले? देखिए, इसको तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यदि मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर मंत्री कैसे बनेंगे? मंत्री विधायक रहते हुए मंत्रिमंडल में उनको ले लिया जाएगा, फिर वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन 6 महीने तक सरकार चाहे तो उनको मंत्री रख सकती है। इस बीच में उपचुनाव हो जाएंगे, तो ये तकनीकी तौर पर समझना पड़ेगा कि क्या तकनीक कैसी है, क्या जो नियम हो वो कहते हैं। तो इसी नियम के अंतर्गत मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उनकी मंत्रिमंडल में एंट्री हो जाएगी, उसके बाद फिर वो विधायक इस्तीफा दे देंगे और इसी बीच में उपचुनाव की घोषणा होगी, और बतौर मंत्री वो चुनाव मैदान में दिखाई देंगे, तो इससे जीत की संभावना भी और प्रबल है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।